लॉकडाउन के बुरे दौर में जहां आम जन परेशान हैं, तो वहीं कोरोना योद्धा के रूप में हमारी सुरक्षा में मुस्तैद होमगार्ड को तनख्वाह न मिलने से परेशान होकर बुलंदशहर में सड़कों पर उतरना पड़ा। तस्वीरें बुलंदशहर की खुर्जा की हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्डों ने आज कोतवाली का घेराव किया। होमगार्डों ने बताया कि उन्हें पिछले 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते कोरोना काल में उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये है कि हमें फरवरी से तनख्वाह नहीं मिली है, क्या करें, सब परेशान हैं, क्या करें, बच्चे भी हैं, हम भी हैं, क्या करें, कहाँ से कोई उजाला करें। तो आपने किसी अधिकारी को बताया? अधिकारी को बता देंगे, आश्वासन दे देते हैं, आ जाएगी, अभी तक नहीं आई, क्या करें। ये हमें फरवरी से तनख्वाह नहीं मिली है अभी तक। सारे होमगार्ड भाई बहुत परेशान हैं, घर का खर्चा कैसे चले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी समय से तनख्वाह मिल जाए हमें। पीड़ित होमगार्ड्स के मुताबिक लॉकडाउन के शुरुआत से हॉट स्पॉट एरिया में 8 घंटे लगातार ड्यूटी करने वाले होमगार्डों की अधिकारियों से बात होती है तो केवल आश्वासन ही मिलता है, जिसके चलते अपने मानदेय की मांग को लेकर आज होमगार्डों ने खुर्जा नगर कोतवाली का घेराव कर डाला। हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।